नमस्कार, गुड इवनिंग। हम आपको बुक बाइंडिंग के बारे में बता रहे हैं। ये जो बुक बाइंडिंग है, पहले हमने आपको बताया था कि बुक बाइंडिंग कई प्रकार की होती है, जिसमें कच्ची बाइंडिंग, पक्की बाइंडिंग, जुज बाइंडिंग। हम आपको बाइंडिंग को बताएंगे और आपको अगर हमारा चैनल अगर अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। अब देखिए, हम आपको बताएंगे। ये हमारा है क्लॉथ। इस क्लॉथ को हम तरल पदार्थ लगा के इसको इससे किताब को इस तरीके से चेप देंगे। फिर इसको अंदर से इसको ऐसे लगा के और ऐसे कर, उसके बाद में इस किताब को उल्टी करके और इसको ये जो बुक बाइंडिंग है इसको इस तरीके से इसके अंदर से ये जो किताब अपने क्रॉस लगा दिया। अब इसके बाद में हम इसके ऊपर एक सुंदर सा अबरी लगाएंगे जो इस किताब को चार चांद लगा देगी। ये देखिए, सुंदर साई और रंगीन पेपर इसके ऊपर हम लगाएंगे। ये रंगीन पेपर हम ऐसे करके और ये पेपर इसके बाद में इसको रंगीन पेपर को अंदर ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे इसको एक साइड से ऐसे चेप देंगे हम। उसके बाद में दूसरे रंगीन पेपर को ऐसे देखो इस तरीके से करके और इसको ये जो रंगीन पेपर है इसको इस तरीके से इसको ऐसे चेप देंगे। चेपने के बाद में ये हो गई अपनी किताब। इसके बाद में अपने दो पेपर इसके अंदर जो एक्स्ट्रा छोड़ते हैं उनको इसलिए छोड़ते हैं कि ए पेपर इसको ऐसे चेप दिया जाए। तो ये पेपर इसको ऐसे अपनी केमिकल लगा के इसको ऐसे चेप दी जाती है। इसके बाद में इस साइड भी दो पेपर लगे होते हैं, ये अपनी देखो सुंदर किताब हो गई। इस किताब की अब उम्र बढ़ गई। अब ये किताब जैसे ही विद्यालय में कहीं भी अपन हाथ में लेकर जाओगे, हाथ में सुंदर भी लगेगी और इसकी उम्र भी हो गई। किताब का हम जितना ध्यान रखेंगे, इज्जत करेंगे बुकों की, उतनी ही
हमको भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारती।